तो ये है मंडुए के आटे के मोमो। पापा ने चिमनी बना दी, देखना चिमनी की तरह। हेलो नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो आज बना रहे हैं हम मंडुए के आटे के मोमोज। काफी टाइम से सोच रहे थे कि मंडुए के आटे के मोमोज बनाएंगे, पर आज बना रहे हैं और पहली बार बना रहे हैं हम मंडुए के आटे के मोमोज। इससे पहले हमने वैसे तो बनाए हैं, पर वो हमने ना नॉर्मल बनाए हैं मैदा के। तो इस बार हम मंडुए के आटे के बनाएंगे, देखते हैं कैसा बनता है और आप लोगों को दिखाते हैं कि हम कैसे बनाते हैं। और कब से ना मोमोज का बर्तन ढूंढ रहे हैं, पर जो भी मिल रहा है ना वो इतने बड़े बड़े मिल रहे हैं। तो हमने सोचा कि जब तक सही से नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेंगे, तो तब तक काम चलाने के लिए हम ये लेके आ गए। जैसे हम ढूंढ रहे थे वैसे हमें मिल नहीं रहा, तो हम इसको लेके आ गए। फिर तो इसी में बनाते हैं। उसमें डालेंगे हम आज प्याज और पनीर, पनीर वाले बनाएंगे। तमन्ना आदि की यूटी टेस्ट भी हो गए, वाला अब नहीं पढ़ना। आदि आदि ने पढ़ाई कर ली, दो टेस्ट कॉपी मिली थी, एक कंप्यूटर की और एक एसएसटी की। मुझे बस छुट्टी कब से पड़ेगी तुम्हारी? छुट्टी हमारी सर 20 तारीख से। अब छुट्टी पड़ने वाली है। तो यहाँ पर अभी प्याज कटिंग हो रहा है। सब्जी थोड़ी भी नहीं डालनी क्या उसमें? सब्जी नहीं डालनी, केवल प्याज डालना है और वो डालना है। बारीक से मसलेंगे इसे, और इसके साथ ना हम प्याज और थोड़ा पहले हम लहसुन डालेंगे और सबको फ्राई करके तब भरेंगे मोमो के अंदर। और इसके बाद डाल देंगे हम इसमें प्याज। अब इसमें डाल रहे हैं थोड़ा नमक, थोड़ा डालूंगा मैं इसमें अजीनोमोटो, थोड़ा टेस्ट आ जाता ना। अब डालेंगे इसमें पनीर। हमारे यहाँ तो मंडुए का आटा बोलते हैं, पोहे का आटा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं जरूर कमेंट में बोलना। कहीं कहीं ना रागी का आटा भी बोलते हैं। तो मसाला बनके तो तैयार हो गया। इसमें हल्दी नहीं रखते? नहीं, सब्जी थोड़ी बनानी है उसके। तो अब बनाएंगे हम मोमो के लिए आटा। ये है मंडुए का आटा। इसकी रोटी ना बहुत अच्छी होती है, भुज्जी के साथ और चटनी के साथ, घी के साथ। सर्दियों में ज्यादा खाते हैं लोग इसे ना। गरम होता ना यार? ये गरम होता है, तो इसीलिए इसे सर्दियों में लोग ना बहुत खाते हैं। हम रोज थोड़ी खा रहे हैं, तमन्ना बोल रहे हैं हम गर्मियों में खा रहे हैं। थोड़ा इसमें मैदा मिक्स करेंगे हम। ना इसके आटे की रोटी हो या कुछ भी बनाओ ना टूट जाती है ना। तो थोड़ा सा हमने इसमें मैदा मिक्स किया है, क्योंकि अगर हम इसी का बनाएंगे ना तो फिर ये टूटती है, सही से बनेगी नहीं। वैसे मंडुए की रोटी भी ना कोई कोई बना पाता है, सब नहीं बना पाते। जो मंडुए की बनाओ तो। और सही से गुंज गया, आप देखते हैं कैसे बना रखा है, गीला है कि सूखा है। सही है, इतना तो हो गया आटा, सही है। मेरे को तो लग रहा है मुश्किल से बनेंगे, टूट रहे हैं। पर तो लड़ाई हो रही है। आज पिटेगा तू जरा, तू रुक क्यों अभी तो जरा बन जाएंगे यार। मांग रही और खुद की टंकी चल रही है। हाँ टूट रहे हैं। बड़े बड़े हो जाए कोई बात नहीं, छोटे छोटे से तो। जिसको दो जिसको चार खाने हो एक ही बन गया। ये देखो एक तो बन गया। चार बढ़ने का ये बहुत टाइम से
थोड़ा छट बनाना है तो बारीक करे गाय को खिला दे एक बनाना था इन दोनों को दे देना ही तमने के पापा बोल रहे तूने तो ये पिंडू बना दिया बोले हमारे यहाँ ना भगवान के दिन ना गाय को ऐसे करके देते हैं इसका गोल बना के इसको तो अब दूसरा परीक्षण कर रहे हैं पहला वाला परीक्षण तो फेल हो गया और दूसरे कर रहे हैं इसमें हमने मैदा ज्यादा डाला मैंने तमने के पापा को बोला मसाला ज्यादा होना चाहिए मोमोज के अंदर ये नहीं कि कहीं आटे की गूंदी हो और बस मसाला बहुत सारा अच्छे लगते हैं ना तब कई मोमोज ऐसे बने रहते हैं ना कि बस मैदा ही मैदा रहता है और अंदर कुछ भी नहीं फूले भी नहीं रहते वो पतले रहते तो भी मैं देखो ये तो सही बन रहा है एक दो और डिजाइन में बनाए हैं गोल समोसे की तरह बना दो वही समोसे की तरह से भी बना दो ऐसे ऐसे करके अभी तो तुम बोल रहे हो नहीं आ रहे मेरे को गुजिया वाले से भी तो ना सकते सबसे अच्छा हाँ गुजिया की मशीन में रखो बस खाने तो है बीच चार पराठे चार ही बहुत होंगे हैं पराठे जैसे बनाते पराठे जैसे बनाते तो उनको मोमोस ही क्यों बोलते घर में वो बना के ले आते घर से बना के ले आते हो ना तो वहां पर गर्म गर्म करते हैं तो मैंने कि पापा ने चिमनी बना दी देखना चिमनी की तरह लड्डू ये वो लग रहा है मोदक मोदक कम और वो क्या बोलते हैं वो ज्यादा लग रहा है अनार मैं बनाऊं मेरे को आता है नहीं नहीं वहीं पर आओ पढ़ाई करो अपना काम करो इसको नेक्स्ट पीछे है मेरे जब लास्ट रह जाएगा तब बनाना एक एक दो कोई कोई तो वो वहाँ के होते हैं ना जो मणिपुर इधर साइड के वो तो अजीब वो तो इतना मतलब डिजाइन बनाते हैं ना बढ़िया मोमो के है ना नहीं वो अजीब अजीब से बनाते हैं तो बनाओ तुम भी वैसे मैं नहीं आता मैं हम मैं तो नहीं हूँ मणिपुर का वो एक मतलब एक डिजाइन तो गोल वाला बनाते हैं आजकल तो लोग सबसे ज्यादा मोमोस रोल और गोलगप्पे यही चीजें खा रहे हैं मेरे को तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को गोलगप्पे मैं तो कभी भी जाती हूँ या तो गोलगप्पे खाती हूँ या तो बर्गर मोमोस बहुत कम खाती हूँ मेरे को ज्यादा गोलगप्पे पसंद आते हैं गोलगप्पे जरूर खा के आती हूँ जब भी मार्केट जाती हूँ मैं तो मरना मोमोस कम खाते हैं बाहर बिल्कुल कम गोलगप्पे ज्यादा गोलगप्पे खाते के बाद मोमोस खाते हैं ज्यादा और आदि मैं आईडी तो क्या फ्रेंच फ्राइज आइसक्रीम कभी फ्रेंच फ्राइज तो ऐसे रखना है और इसे ना ऐसे फोल्ड करना है फिर ऐसे 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 और ऐसे खाते वक्त तो गप जाता है मुंह में खाते समय पता भी नहीं चलता बनाते समय इतना टाइम लगता है हो गया ना बहुत मेहनत होती है मोमोस वालों की वो तो है तो ये 14 मोमोस तो बन गए इनको ना पहले चूल्हे में चढ़ा के आ जाते हैं उसके बाद तो हमने ना मोमो के बर्तन में ना हल्का सा तेल लगा रखा है ताकि ये चिपकेंगे नहीं और एक एक करके इनको डालते हैं मोमो का तो नहीं है बर्तन पर ये इडली का है पर बन जाते हैं मोमो बाप ही तो चाहिए बस इडली बनाओ और फिर इसके ऊपर एक और ये तीनों रख दी है ये अभी ऊपर से लगा दी इसे बंद कर दिया और इसे ना हम प्रेशर में बनाएंगे वैसे आप लोग ना पतीले में भी बना सकते हो इसमें हमने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है ओदा तो ये रख दिया ढक्का ही मला है ना अब इसे ऐसे ढक देंगे ये सही है बस हल्की कर दिया आंच इसकी ना के लिए तो थोड़ी देर बाद आऊंगी मैं इसको देखने के लिए तब तक और बना लेती हूँ ये देखो मैंने बना लिया क्वादे का तमन्ना बना रही है क्वादे का ये देखो आदि ने बनाया
मैंने बोला तुम बनाओ कोदे के आटे के, हमसे तो नहीं बन रहे। छोटे छोटे बनाना है, ज्यादा बड़े नहीं बनाना। मैंने एक तो बना लिया था, तीन बनाने थे, पूरे रोड बनाने। मत कर, मैं मारूंगी, इतना परेशान कर देता है ना कभी कभी। मत कर, बड़ी मुश्किल से बनी है। बच्चों को ना ऐसा काम ना अच्छा लगता है, जब बड़े हो जाते तब नहीं लगता ये काम अच्छा। बस वो सब चल रहा है। तो मोमोज की चटनी के लिए भी हमने तैयारी कर दी है, टमाटर प्याज और धनिया और लहसुन की चटनी बनाएंगे हम, और मोमोज भी बन गए। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कलर देखना बिल्कुल चॉकलेटी कलर। अब निकालते हैं इनको। तो अब ये मोमो तो हो गए रेडी, फिर इसके बाद हम और डालेंगे इसमें, और कलर तो बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चॉकलेट वाले बने होंगे। बहुत लोगों का मन कर रहा होगा खाने का, ऐसे चमक रहे हैं। जो मंडोए के आटे के रहते हैं ऐसे चमकते हैं। अनार, ये तो अनार पटाखा लग रहा है। तो एक बार के तो हमने बना दिए हैं, और दूसरी बार के रखेंगे हम, और ये ना रेडी और कर रखे हैं, और ये तमन और बना रखे हैं, किसी का साइज बड़ा और रखा, किसी का छोटा और रखा है। आप लोग भी खा जाइए गर्मा गर्म मोमोस मंडुए के आटे के। दे दूसरी बार। तो दोस्तों खाते हैं मंडुए के आटे के मोमो, और आप लोग जब भी बनाओगे ना तो आप लोग ये करना कि उसमें मंडुए का आटा और ज्यादा डालना उसमें, या तो मैदे के बनाओगे तो मैदा ज्यादा डालना, या तो गेहूं का आटा डालोगे तो वो ज्यादा डालना, नहीं तो हम क्योंकि ना ये अगर प्योर बनाओगे उसके तो बन नहीं पा रहे हैं और टूट जा रहे हैं बार बार। आधी वाला मुंह आधी नहीं बनाया था। ये वाले दे देना। क्या है रे? ना होगी जैसे मैंने तो ये बनाया था। ये तेरे लिए आधी। हाँ खाली नहीं करते, अंदर से तो होना है ऐसे। चलो दूसरा दे दो। तो मम्मी ने रख दिया अब सबके लिए चार चार, और पहले ना आराम से मोमोज खा लेते हैं, फिर बनाएंगे चटनी। ना हमने वैसे लाल वाली बनानी थी, मिर्च वाली, पर कमन आदि नहीं खाते तो यही चटनी सही है ना, जरूरी थोड़ा है मिर्च वाली चटनी खानी है। बस हमने इसमें लाल मिर्ची नहीं डाली है, लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्च डाली है। अब बताइए हाँ खाके कैसा, खाके बताना कैसा लगा। ठीक है, मोमोज तो सबको ही पसंद आते हैं। अच्छे हो रहे हैं। अच्छे हो रहे हैं, कच्चे तो नहीं है। खा ले, चल प्लेट ने गिरा, चटनी लगा ले। ले तो ट्राई करते हो कैसे हो रहे हैं। तो पहली बार ट्राई करते हैं मंडुए के मोमो, बहुत मस्त हो रहे हैं, जकास बड़े हो रहे। बाहर से काले अंदर से सफेद। पनीर के अच्छे लगते हैं मुझे। आदि बोल रहा है इतने में बल मेरे पेट भर गए। एक खाया और एक कोई नहीं खाते। मसाला ज्यादा भरा है हमने इसके अंदर, है ना। मोमोज तो वही अच्छे होते हैं जिनमें मसाला ज्यादा रहता है अंदर से। मेरी पनीर चटनी के अंदर छोड़ दो। तो हम तो सोच रहे थे कि इस बर्तन में बनते हैं नहीं बनते, पर सही बन गए हैं, और सही है वैसे बर्तन। वो बाहर के तरह लग रहे हैं। हाँ बाहर के तरह। पेट मेरा फूल हो गया। जब मैं आधा की रोटी खाता हूँ ना, तब आधी खाता हूँ ना, तब मेरा पेट भर जाता है। खा लेना एक एक खा ले। नहीं, नहीं, नहीं। तो मुझे देख के अजीब हो रहा है। क्यों, कितने खाए तूने? मैंने चार बस।
तो चलो तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आपको कैसे लगे मोमोज जरूर कमेंट में बनाना, और अपने ना फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना व्लॉग को जरूर से जरूर, और व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर। अब सोने की तैयारी करते हैं, अब सोने की तैयारी करते हैं, सुबह स्कूल भी जाना है। चला गाना।